खबर इस वक्त बड़ी लखनऊ से है, जहां पर गंगा रथ को आज सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे। तो थोड़ी देर में सीएम योगी गंगा रथ को रवाना करेंगे। बता दें कि गंगा रथ बिजनौर और बलिया के लिए रवाना होगी। तो 27 जनवरी से 31 जनवरी तक गंगा यात्रा का कार्यक्रम चलेगा, जहां रथ यात्रा का 31 जनवरी को समापन होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, गंगा यात्रा जिसको आज सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे। नरेंद्र यादव इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नरेंद्र, कितनी देर में ये जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा, और बलिया और बिजनौर का जिक्र किया जा रहा है जहां गंगा रथ को रवाना किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर 5KD पर यह कार्यक्रम किया गया है, जहां से गंगा रथ को फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पे पहुंचेंगे। वो 5KD अपने आवास से निकल पर मंच पर पहुंचने वाले हैं, अपने आवास से निकल चुके हैं। और ये गंगा यात्रा 27 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगी, जो बलिया से निकलेगी एक गंगा यात्रा और दूसरी बिजनौर से निकलेगी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ 5KD से दो रथों को रवाना करेंगे, गंगा रथ को रवाना करेंगे। एक बलिया जाएगा, दूसरा बिजनौर जाएगा। और इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में ही वो, यानी कि नरेंद्र, आज महज इन रथों को बिजनौर और बलिया के लिए रवाना किया जा रहा है, लेकिन जब 27 जनवरी से इस रथ यात्रा की शुरुआत होगी, उस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर खुद मौजूद रहेंगे और यात्रा को शुरू करेंगे। बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर से रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे, गंगा यात्रा की शुरुआत करेंगे, और बलिया में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जाएंगी, वहां से शुरुआत करेंगे। और दोनों यात्राएं बलिया और बिजनौर से होते हुए कानपुर पहुंचेंगी, और कानपुर में 31 जनवरी को इसका समापन किया जाएगा। प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसको लेकर महीनों से तैयारियां की जा रही हैं। इसमें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों लगे हुए थे। तो आज जो गंगा यात्रा के लिए रथ निकलने वाले हैं, उनको फ्लैग ऑफ सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। उनके साथ तमाम मंत्री यहाँ पर उनके 5KD आवास पर मौजूद है, और उनकी मौजूदगी में इसको भव्य रूप से रथ को यहां से निकाला जाएगा, और एक जागरूकता अभियान के तहत ये गंगा यात्रा निकाली जा रही है। सरकार की मंशा है कि गंगा को साफ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें एक बड़ा कार्यक्रम होगा। गंगा नदी के किनारे पेड़ लगाने की बात होगी, धार्मिक स्थलों के विकास की बात होगी। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जल यात्रा भी करेंगे और सड़क मार्ग से भी यात्रा में हिस्सेदारी लेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रदेश सरकार का एक बड़ा कार्यक्रम है, महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। बिल्कुल, और नरेंद्र, इस गंगा यात्रा से ये समझा भी जा सकता है, जैसा कि पहले सरयू नदी में आरती की शुरुआत यहाँ पर की गई, और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि गंगा के किनारे पेड़ों को लगाया जाएगा, वृक्षों को लगाया जाएगा, और गंगा स्वच्छ कैसे हो, निर्मल कैसे हो, ये कहीं ना कहीं उद्देश्य इस गंगा यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है। और एक उद्देश्य ये भी कहा जा रहा है कि गंगा किनारे आरती की जो शुरुआत है, खुद इस के जरिए यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। जी, सीएम योगी आदित्यनाथ गंगा आरती की शुरुआत करेंगे, और जैसा कि प्रदेश सरकार की और सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा रही है कि गंगा को साफ किया जाए, और इसके लिए करोड़ों रुपया भी खर्च किया गया है। और जो तमाम जिले हैं और बड़े शहर हैं जहां से नाले गंगा में गिरते थे और गंगा को प्रदूषित करते थे, उनको रोका जा चुका है, और एक बहुत बड़ा सफाई अभियान भी चलाया जा चुका है। और गंगा सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, देश की सबसे पवित्र नदियों में से एक है, और एक बड़ी नदी है और काफी इसकी लंबाई है। तो इस तरीके से करीब 1300 किलोमीटर की ये यात्रा होगी, जिसमें प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। ये जल शक्ति मंत्रालय इसका नोडल विभाग है, और इस समय जल शक्ति मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, वो उद्बोधन भी कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो जल शक्ति मंत्रालय के अलावा पूरा प्रदेश इस कार्यक्रम को आयोजित करने में लगा हुआ है, और इसका एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा, जिससे लोगों में जागरूकता आए और नदियां जो मृतप्राय हो रही, गंदी हो रही, उनको स्वच्छ किया जाए, और जो आस्था है लोगों की नदियों के प्रति, उसमें वृद्धि हो और लोग नदी को गंदा ना करें। एक बड़ा अभियान है प्रदेश सरकार की तरफ से, और जिसके कार्यक्रम के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद 5KD के अपने कार्यक्रम
स्थल पर मंच पर मौजूद है और कार्यक्रम इस समय चल रहा है। थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ गंगा रथ को फ्लैग ऑफ करेंगे और इसके बाद दोनों रथ एक बलिया के लिए और एक बिजनौर के लिए रवाना होगा। 27 तारीख को इस यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा जिसमें योगी आदित्यनाथ बिजनौर जाएंगे और आनंदीबेन पटेल राज्यपाल बलिया से इस यात्रा को का शुभारंभ करेगी। 5 दिनों की यात्रा है, अनेक पड़ाव रास्ते में है, जगह जगह पर इसका भव्य स्वागत किया जाएगा। वहां पर तमाम मंत्री मौजूद होंगे, जो वहां के प्रभारी मंत्री हैं मौजूद रहेंगे, जिलाधिकारी और एसएसपी मौजूद रहेंगे और इस तरीके से देखा जाए तो तमाम विधायक और सांसद भी रहेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लेकिन नरेंद्र, यहां पर हम अगर देखें तो एक गंगा यात्रा की शुरुआत हो रही है, धार्मिक महत्व और गंगा का कितना महत्व एक हर एक इंसान पर रहता है, धर्म पर रहता है, इसके महत्व को समझाने की कोशिश तो यहाँ पर रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर विपक्ष को देखें तो विपक्ष इस गंगा यात्रा को लेकर भी कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है, निशाना साध रहा है, कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस गंगा यात्रा के जरिए हिंदुत्व के एजेंडे को एक बार फिर से साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए, गंगा यात्रा की बात जहाँ पर है, विपक्ष की जहाँ पर बात है, उनके अपने आरोप हैं, लेकिन अगर नदियों को साफ करने की बात हो तो इसमें हर सरकार ने प्रयास किया है, नदियाँ साफ हो पॉलिसी बनाई गई है, लेकिन उस पर किसी सरकार ने काम नहीं किया था। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है जिन्होंने नदियों के लिए काफी हद तक काम किया है और काफी बजट केंद्र सरकार ने भी इस पे खर्च किया है। तो एक तरीके से देखा जाए नदियों के प्रति सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सचेत रहे हैं और बड़ी योजनाएं बनाए हैं और उसके लिए कड़ा एक्शन भी लिया गया है और एक अच्छा प्लान भी बनाया गया है कि जब तक शोधित ना हो जाए पानी नाले का, तब तक उसको गिराया ना जाए। तमाम टेनरियां उन्नाव और कानपुर की बंद कर दी गई है। तो अगर काम करने की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ही है जो नालों को, गंदे नालों को और फैक्ट्रियों के पानी को रोकने में सफल रहे हैं। तो क्यों ना वो प्रचार करें और क्यों ना लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाएं। पार्टियों का अपना काम होता है, अपना एक एजेंडा होता है, आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन अगर गंगा यात्रा की बात की जाए तो उससे एक साफ मैसेज जाएगा, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा होगी और लोग नदियों को गंदा नहीं करेंगे। अस्तित्व को यहाँ पर कहीं ना कहीं गंगा के अस्तित्व को बचाए रखना है और उसी के लिए कवायद होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए।